गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी क्लास फर्स्ट की आपकी मैथ की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 168, जिसकी डेट बच्चों 12 फरवरी 2021 रहेगी। और आज की इस वर्कशीट में हम आपके किसको सीखेंगे, ऐड को, यानी कि जोड़ को। एडिशन का मतलब होता है जोड़, जोड़ करना सीखेंगे कि किस तरह से हम जोड़ को सीखते हैं, है ना, जमा करना सीखते हैं। क्या आप जानते हैं कि बच्चे 12 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? हाँ, अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग याद रखना कि 12 फरवरी को हम हर साल राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसका उद्देश्य यह है कि भारत में उत्पादकता, स्पर्धा, लाभ, सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाने और बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में समाधान प्रदान करने के लिए काम करता है। तो इसीलिए पूरे देश में 12 फरवरी से 18 फरवरी तक उत्पादकता समारोह का आयोजन किया जाता है। चलिए अब अपनी वर्कशीट की तरफ आगे बढ़ते हैं। जादूगर जोड़ का जादू, देखो कितनी अच्छी पोयम हमारे लिए जादूगर लेकर आया है, ध्यान से सुनना। जादूगर जोड़ है मेरा नाम, आऊं मिलाने और जोड़ने के काम, कम से मैं ज़्यादा बनाऊं, एकता में बल का सबक सिखाऊं। क्योंकि जो कम होते हैं इनको अगर हम प्लस कर देते हैं तो वो हमारा ज़्यादा बन जाता है, है ना। और एकता में ही बल बताया गया है, ये हमारा क्या है, ये हमारा जादू बताया गया है कि एकता में बल है। अगर हम किसी चीज़ को जोड़ देते हैं तो वो ज़्यादा हो जाती है और एकता और एक बन जाती है, और एकता में ही तो बल होता है, है ना। तो इसीलिए चलिए अपनी इसी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ अपनी क्या करते हैं, वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। आज रसोई घर में काम करते हुए सिम्मी और सोनू की दादी उन्हें एक जादूगर मित्र से मिलवाने वाली है, जो मिलाने और जोड़ने का खेल खेलता है। क्या आप भी उस जादूगर से मिलना चाहोगे? बच्चों, सीधी और लेटी पंक्ति से यही बताया गया है कि सीधी, है ना, सीधी और लेटी पंक्ति से बना यह जादूगर जोड़ का चिन्ह दो भागों को जोड़ता, मिलाता और ज्यादा बना देता है। सोनू बोला, वह कैसे दादी? दादी बोली, सोनू यह लो दो गिलास और सिम्मी यह लो तीन गिलास, अब बताओ दोनों के पास मिलाकर हुए कितने गिलास? दो गिलास प्लस तीन गिलास को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे? पांच गिलास, और ज़्यादा हो गया ना ये। तो जोड़ में क्या है, शक्ति है, जोड़ से ज़्यादा हो जाता है, एकता में ही बल है, ये बताया गया है। दादी ने कहा, शाबाश सोनू, अब हमारा जादूगर मित्र यानी कि जोड़ का निशान प्लस आएगा और तुम्हारे जवाब में और की जगह लग जाएगा। इस जादूगर मित्र को जोड़ का चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? जोड़ का चिन्ह। जैसे कि दो प्लस तीन हो जाते हैं हमारे पांच गिलास। चलिए आगे ही इसी तरह से जोड़ का दिया गया है कि हमें जोड़ कर दिखाना है। सिम्मी और सोनू बोले, वाह दादी, जादूगर जोड़ ने तो सचमुच चीज़ों को जोड़कर जादू में बदल दिया। दादी ने कहा, तो क्यों न रसोई घर के कुछ और बर्तनों को जादूगर जोड़ की मदद से मिलाकर जोड़ें और उनको भी ज़्यादा बनाएं। देखो, फिर दादी ने क्या किया, रसोई से गिलास लिए और गिलास को जोड़ा। जैसे एक बार चार गिलास लेकर आई दादी और एक बार तीन गिलास लेकर आई, तो अगर हमने इन सारे गिलास को प्लस किया, देखो बच्चों, प्लस करने का एक आसान तरीका ये भी होता है कि चार, है ना, 1 2 3 4, और यहाँ पर है हमारे थ्री गिलास, 1 2 3, तो इनको प्लस करना है। तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों को प्लस करके कितने बन गए, 7 गिलास। डंडे खींचकर भी आप प्लस कर सकते हो, इससे भी गलती नहीं होती है, ठीक है। अब देखो इनको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गिलास हो गए हमारे। इसी तरह से यहाँ पर है हमारी टू स्पून, टू है ना ये, 1 और 2, और यहाँ पर भी कितनी है, 2 है, तो 2 प्लस 2 कितने हो जाएंगे बच्चों हमारे, देखो डंडे खींचो 2, और इधर भी डंडे खींचो 2, अब इनको प्लस कर दो, 1 2 3 4, कितनी स्पून हो गई, 4 4 चमचे हो गई, देखो कितनी है, गिन के देख लेते हैं, 1 2 3 4, राइट। चलिए अब और कुछ बर्तनों को, कटोरियों को जोड़कर देखते हैं, 1 2 3 4 और 5, 5 कटोरियां हैं यहाँ पर, और इधर कितनी कटोरी है बच्चों, गिनिए, 1 2 3 4, इधर कितनी कटोरी है हमारी, 4, तो 5 प्लस 4 को प्लस करते हैं, 1 2 3 4 5,
फाइव कटोरिया इधर और फोर कटोरिया इधर, 1 2 3 4 को प्लस करेंगे तो सारी कटोरियों को जोड़ लो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितनी कटोरियाँ हो गई हमारी, 9। आप साथ में यहाँ पर क्या बना दोगे, 9 कटोरियाँ भी बना देना बच्चों, आपकी ड्राइंग अच्छी है तो ठीक है। 3 4 5 6 7 8 और ये रही आपकी 9, 9 कटोरियाँ हमने लिख दी हैं ठीक है। तो 7 गिलास हो जाते हैं, 4 चम्मच और 9 कटोरियाँ अगर हमने इनको प्लस किया। चलिए अभिभावकों के लिए सुझाव पढ़ लेते हैं। अभिभावकों के लिए क्या सुझाव आया है, बच्चों से चर्चा कीजिए कि हमें मिलजुल कर क्यों रहना चाहिए। जिस तरह से बच्चों अगर हम कोई चीज़ जोड़ते हैं तो वो ज़्यादा हो जाती है और उसकी शक्ति बढ़ जाती है, इसी तरह से अगर हम मिलजुल कर रहते हैं तो हम ज़्यादा बन जाते हैं और हमारी शक्ति बढ़ जाती है और हम कोई भी काम आसानी से कर लेते हैं। और एकता के महत्व पर आधारित कोई कहानी या घटना सुनानी है, ये अभिभावकों के लिए है। और इसके बाद बच्चों आप लोग डंडे खींचकर जरूर अपना क्या करना, अभ्यास करना। जिस तरह से जैसे अगर हमें ये डंडे प्लस करने हैं तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हो जाएगा ठीक है। तो आप लोग इसका अभ्यास जरूर करना। साथ ही बच्चों मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। थैंक यू बच्चों।